आप देख रहे हैं दखल न्यूज। दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक, ईवीएम और वीवीपैट मामले में चुनाव आयोग को ज्ञापन। मतगणना से पहले महागठबंधन के नेताओं ने दी सरेआम धमकी, चुनाव परिणाम गड़बड़ हुए तो होगी हिंसा। अरुणाचल प्रदेश में उग्रवादी हमला, विधायक तिरोंग अबो सहित 11 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एग्जिट पोल को बताया मनोरंजन, फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार, विधायक है मेरे साथ। और इंदौर में सहायक वाणिज्य कर अधिकारी कोमलवाली के यहाँ लोकायुक्त का छापा, अनुपातहीन संपत्ति का हुआ खुलासा। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। सत्ता में काबिज होने के लिए दिल्ली में राजनीतिक खेल शुरू हो गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इसकी अगुवाई कर रहे हैं। एक कॉमन मैन के रूप में नायडू मोदी विरोधी नेताओं को जोड़ना चाहते हैं, इसके लिए विपक्षी दलों की बैठक दिल्ली में हुई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में इस बैठक में विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हुए। इसके बाद ईवीएम और वीवीपैट मामले में 22 दलों के विपक्ष के चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया। चंद्रबाबू नायडू की नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है, वे उस हिसाब से पूरी तैयारी कर रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्ष की बैठक हुई। हालांकि बैठक में बड़ी पार्टियों के नेताओं में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मायावती, अखिलेश यादव और ममता बैनर्जी गैर मौजूद रहे, लेकिन उनकी जगह कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद व अन्य नेता मौजूद थे। बता दें कि नायडू लगातार गठबंधन की कवायदों में लगे हुए हैं। नायडू एक के बाद एक विपक्षी दलों के नेताओं से लगातार मुलाकात करते हुए नया फ्रंट बनाने की कोशिश में जुटे हैं। बैठक में शामिल सभी नेताओं की मांग वीवीपैट की पर्चियों की गिनती और उसका ईवीएम से मिलान हो। इसके बाद ईवीएम और वीवीपैट मामले में 22 दलों के विपक्ष में चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा। एग्जिट पोल के रुझानों के बाद विपक्षी नेताओं के निशाने पर चुनाव आयोग और ईवीएम आ गई है। दिल्ली में महागठबंधन के घटक दलों की बैठक में 23 मई को चुनाव नतीजों के बाद त्रिशंकु जनादेश के बाद की स्थितियों पर विस्तार से विचार किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि तृणमूल नेता ममता बैनर्जी 23 मई के चुनाव नतीजों के बाद नई दिल्ली पहुंचेंगे। चंद्रबाबू नायडू के अलावा समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने भी ममता बैनर्जी को टेलीफोन कर गठबंधन की आगामी रणनीति पर चर्चा की। लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले ही बिहार महागठबंधन के नेताओं ने धमकी देनी शुरू कर दी है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महागठबंधन के नेताओं ने खुलेआम धमकी देते हुए कहा कि अगर लोकसभा चुनाव परिणाम में कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की गई तो वे हिंसा और हथियार उठाने पर मजबूर होंगे। एनडीए सरकार में नरेंद्र मोदी के सहयोगी रहे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वे एग्जिट पोल को सिरे से खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के समर्थकों को नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर एग्जिट पोल का सहारा लिया जा रहा है। कुशवाहा ने हिंसा की धमकी देते हुए कहा, लोगों में इतना आक्रोश है कि अगर कोई खून खराबा होता है तो इसके जिम्मेदार नीतीश कुमार और केंद्र की सरकार होगी। कुशवाहा ने कहा कि मतगणना के दिन हमारे समर्थक और जनता तैयार रहें, क्योंकि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर रिजल्ट लूटने की घटना हुई तो सड़कों पर खून बहेगा। सरकार के लिए जरूरत पड़े तो हमारे झंडा कर्मी ठाकुर जी कहते थे, हथियार भी उठाना हो तो उठाइए। आज बूथ लूट की घटना तो नहीं है, लेकिन रिजल्ट लूट की जो घटना करने की कोशिश हो रही है, हम कहना चाहते हैं झंडा कर्पूरी ठाकुर जी के पद चिन्हों पर चलने वाले हम लोग हैं। अगर ऐसी कोई कोशिश हुई तो निश्चित रूप से हम लोगों से भी कहेंगे, महागठबंधन के तमाम साथियों से और बिहार की जनता से, कि इस तरह की साजिश को रोकने के लिए हथियार भी उठाना हो तो। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि एग्जिट पोल करके जनता को बरगलाया जा रहा है। सच्चाई एग्जिट पोल के आंकड़ों से काफी दूर है। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा मजबूती से की जाए। मदन मोहन झा ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे स्ट्रांग रूम के पास डटे रहें। विकासशील इंसानियत पार्टी के मुकेश साहनी ने नरेंद्र मोदी को चोर करार देते हुए कहा कि चौकीदार
चोर है, इसीलिए वह अपने समर्थकों से अपील करते हैं कि वो मजबूती से ईवीएम की सुरक्षा करें, क्योंकि आपके सामने का शख्स कुछ भी कर सकता है। अरुणाचल प्रदेश में एनपीपी विधायक तिरोंग अबो और उनके परिवार के 7 लोगों की एक हमले में हत्या कर दी गई। इस उग्रवादी हमले में कुल 11 लोग मारे गए। यह घटना अरुणाचल प्रदेश में तिरप जिले के बोगापानी गांव में हुई है, जहां उग्रवादियों ने विधायक तिरोंग अबो को निशाना बनाकर हमला बोला। इस हमले में विधायक अबो और उनके परिवार के 7 लोग मारे गए। इस हमले में कुल 11 लोगों की जान गई है। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने कहा कि अरुणाचल के विधायक तिरोंग अबो और उनके परिवार की मौत की खबर से एनपीपी बेहद स्तब्ध और दुखी है। इस क्रूर हमले की निंदा करते हैं और गृह मंत्री राजनाथ सिंह और पीएम मोदी से ऐसे हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने का आग्रह करते हैं। एग्जिट पोल में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने की संभावना जताई गई है। एग्जिट पोल के इस अनुमान का असर कई राज्य सरकारों पर पड़ा है। मध्य प्रदेश में तो भाजपा दावा कर चुकी है कि मौजूदा कमलनाथ सरकार अल्पमत में है। राजस्थान में बसपा के समर्थन में कांग्रेस की सरकार चल रही है। वहीं तमिलनाडु में 22 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे 23 मई को आएंगे। गोवा की 4 सीटों की तस्वीर भी इसी दिन साफ होगी। कुल मिलाकर एक तरफ जहां पूरा देश यह जानने के लिए 23 मई का इंतजार कर रहा है कि एक बार फिर मोदी सरकार बनेगी या नहीं, वहीं इन राज्यों पर भी खास नजर रहेगी। मोदी है तो मुमकिन है, नारा बीजेपी के लोगों को अच्छा लगता है। अगर चुनाव परिणाम बीजेपी के मुताबिक मुमकिन हुआ तो कुछ राज्यों से मोदी है तो मुश्किल है जैसी बातें सुनाई देंगी। सबसे पहले बात एमपी की। मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में निर्दलियों के साथ ही सपा और बसपा विधायकों का समर्थन लेकर कांग्रेस ने सरकार बनाई। एग्जिट पोल जारी होने के बाद भाजपा ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है और दावा किया है कि कमलनाथ सरकार अल्पमत में है, इसीलिए विधानसभा सत्र बुलाया जाए और फ्लो टेस्ट करवाया जाए। बता दें, मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 116 है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 114 और भाजपा 109 पर अटक गई थी। इसके बावजूद कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिल गया, क्योंकि उसके पास 4 निर्दलीय, 2 बसपा और 1 सपा विधायक का समर्थन है। अब मध्य प्रदेश में मोदी है तो मुश्किल है के आसार नजर आ रहे हैं। कर्नाटक दूसरा राज्य है जहां कांग्रेस की गठबंधन सरकार मुश्किल में आ सकती है। अभी यहां कांग्रेस और जेडीएस की सरकार है। जहां 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के सबसे बड़े दल के रूप में उभरने के बाद सरकार बनाने का मौका तो मिला, लेकिन वे बहुमत नहीं जुटा सके। इसके बाद कांग्रेस ने तीसरे नंबर की पार्टी जेडीएस के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई है। राज्य की 225 सदस्यीय विधानसभा में 2 सीटें खाली हैं। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 112 है। भाजपा के पास 104 विधायक हैं और उसके साथ एक निर्दलीय व एक केपीजेपी का विधायक भी है। भाजपा का बहुमत के लिए 6 और विधायकों की जरूरत है। दूसरी तरफ जेडीएस के 37, कांग्रेस के 78 तथा बसपा का 1 विधायक है और उनकी संख्या 116 है। लोकसभा चुनाव के साथ तमिलनाडु की 22 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई है और 23 मई को इनका भी परिणाम आ जाएगा। इन विधानसभा सीटों का नतीजा प्रदेश की मौजूदा एआईडीएमके सरकार पर असर डाल सकता है। तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं, जिसमें एआईडीएमके के पास 113 विधायक हैं और डीएमके के पास 97 सीटें हैं। जयललिता के निधन के बाद पार्टी 2 धड़ों में बट गई थी और 18 विधायकों ने पाला बदल लिया था, जिन्हें बाद में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उपचुनाव इसीलिए हो रहा है, मौजूदा स्थिति में पूर्ण बहुमत के लिए एआईडीएमके के 4 सीट चाहिए, जबकि डीएमके को 21 मिलती हैं तो सत्ता पलट सकती है। गोवा विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे 23 मई को आएंगे। यदि भाजपा अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो विधानसभा का गणित बदल सकता है। मौजूदा स्थिति में 36 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस के पास 14-14 विधायक हैं। वहीं भाजपा को 3 निर्दलीय और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 3 विधायकों का समर्थन है।
मणिपुर नगा पीपुल्स फ्रंट ने पिछले हफ्ते कहा था कि लोकसभा चुनाव बाद वह भाजपा की अगुवाई वाली प्रदेश सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेगी। एनपीएफ के पास 4 विधायक हैं। हालांकि भाजपा का कहना है कि 60 सदस्यीय विधानसभा में उसके लिए कोई खतरा नहीं है। 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस 28 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन बाद में 8 विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। राजस्थान में कांग्रेस के अशोक गहलोत सीएम जरूर हैं, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी उतनी बड़ी जीत नहीं कर पाई जिसकी उन्हें उम्मीद थी। 200 विधानसभा वाले राजस्थान में बहुमत का आंकड़ा 101 है, जबकि कांग्रेस 99 पर अटक गई थी। बाद में बसपा के समर्थन से सरकार बनी जिसके पास 6 विधायक हैं। भाजपा को महज 73 सीटों से संतोष करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अलवर गैंगरेप के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी ने मायावती से कहा था कि कांग्रेस सरकार के समर्थन वापस ले लेना चाहिए। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा 23 तारीख को सब साफ हो जाएगा, एग्जिट पोल तो मनोरंजन है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 4 बार फ्लोर टेस्ट करवा चुकी है, एक बार और सही, मुझे अपने विधायकों पर पूरा भरोसा है। कमलनाथ ने लोकसभा प्रत्याशियों के साथ मीटिंग की और उन्हें काउंटिंग पर कड़ी नजर रखने की सलाह दी। मध्य प्रदेश में बीजेपी कह रही है कांग्रेस सरकार अल्पमत में है, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। भोपाल में कांग्रेस मुख्यालय में कमलनाथ ने लोकसभा प्रत्याशियों के साथ मीटिंग की और कहा बीजेपी सिर्फ लोगों को भ्रमित कर रही है, एग्जिट पोल के नाम पर भ्रमित किया जा रहा है, इससे सावधान रहे, 23 को परिणाम इस पोल से विपरीत आएंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लोकसभा प्रत्याशियों को मतगणना के दौरान कड़ी नजर रखने को कहा। उन्होंने प्रत्याशियों को कई टिप्स भी दिए। कमलनाथ ने कहा जब से एग्जिट पोल आया है तब से सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें चल रही हैं। सीएम ने एग्जिट पोल को मनोरंजन बताया। उन्होंने कहा विधायक मेरे साथ हैं, फ्लोर टेस्ट की कोई परवाह नहीं। हमारे सोशल मीडिया में बहुत सारी ऐसी जानकारियां सबको प्राप्त हुई है कि ये एग्जिट पोल नहीं, ये मनोरंजन पोल है। असली पोल जो खुलने वाली है वो 23 तारीख को असली पोल खुलेगी। तो ये जो परंपरा बनाई गई एग्जिट पोल और एग्जिट पोल पर ही जश्न मना लो, ये सच्चाई 23 तारीख को सामने आएगी। कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों से फीडबैक लिया और उसके आधार पर आगे की सियासी रणनीति बनाई। इस बीच बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे रतलाम झाबुआ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने दोहराया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 20 सीट जीतेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर एग्जिट पोल पर सवाल उठाया। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इंदौर से खबर है, मध्य प्रदेश में काली कमाई करने में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। लोकायुक्त पुलिस ने इंदौर में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी कोमल बाली के यहां छापा मारा तो काली कमाई का खजाना सामने आया। इस छापे में महिला अधिकारी के घर से करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ। लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई के दौरान अब तक संयोगितागंज क्षेत्र में 2 मकान, देव गुराड़िया क्षेत्र में 1 फार्म हाउस, 50,000 का कैश, करीब 2 किलो सोना, कई लग्जरी वाहन और बैंक लॉकर्स पाए गए हैं। सुबह करीब 35 अधिकारियों ने 4 स्थानों पर इस छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया है। जब सुबह 5:30 बजे लोकायुक्त की टीम ने ऊषागंज छावनी में सहायक वाणिज्य कर अधिकारी कोमल वाली के यहां छापा मारा, महिला अफसर सुबह सुबह अपने घर पर लोकायुक्त पुलिस को देखकर घबरा गई। लोकायुक्त की टीम फिलहाल बैंक लॉकर के अलावा संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक महिला अफसर 2006 से इंदौर में पदस्थ है, उनके 4 ठिकानों पर छापे की कार्यवाही चल रही है। अगर 2006 से उनकी सैलरी देखी जाए तो उनकी आय करीब
35 लाख निकलती है, लेकिन उनके पास से करोड़ों की संपत्ति मिली है। बताया जा रहा है कि महिला अफसर के पति बीजेपी की शहर कार्यकारिणी के सदस्य हैं। उन्होंने छापे पर सवाल उठाते हुए राजनीतिक करार दिया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी पक्ष द्वारा अपने निवास के पास ही मकान नंबर 1/5 ऊषा गंज छावनी इंदौर क्रय करने की जानकारी भी मिली है। कर्मचारी इंदौर में पदस्थ हैं, 2086 इनके अनुपाधीन संपत्ति के शिकायत पर सुबह 6 बजे जो है छापे की कार्रवाई की, जिसमें 2 मकान जिनकी कीमत करोड़ों में, इसके अलावा 2.5 बीघा का फार्म हाउस और 45 तोला करीब सोना, 1 किलो करीब चांदी और 50,000 रुपये नकदी, बैंक में 4 लाख करीब रुपये, 1 इनोवा कार और 2 छोटी 2 पहिया वाहन अभी तक पाए गए। बाकी छापे कार्रवाई चल रही है, जानकारी। लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि संयोगितागंज क्षेत्र में 2 घर, 1 फार्म हाउस, 45 तोला सोना और करीब 1 किलो चांदी, 50,000 का कैश और कई लग्जरी वाहन की जानकारी अब तक मिली है। इनसे और भी संपत्तियों का पता चल सकता है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मुश्किलें बढ़ने वाली है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार सुनील जोशी हत्याकांड की फाइल को खोलकर नए सिरे से इस मामले की जांच करवाना चाहती है। विधि मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सुनील जोशी हत्याकांड का सच सामने आए ये जरूरी है। विधि एवं जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी की भोपाल लोकसभा से प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह की संघ प्रचारक से जुड़ी सुनील जोशी हत्याकांड की फाइल निश्चित रूप से खोली जाएगी। शहीद हेमंत करकरे के बारे में अनर्गल बोलने वाली और नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने वाली प्रज्ञा की विचारधारा उनके बयानों से प्रदर्शित होती है। उनकी सोच को देखते हुए हमें लगता है कि वे हत्याकांड में शामिल हो सकती है, इसीलिए सुनील जोशी हत्याकांड की फाइल खोली जाएगी। अशोक चक्र दिया था, उसके बाद उसको देशद्रोही बता रही महिला, तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि ये इनकी जो दिमाग है वो इसी तरह की गतिविधियों में है। वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जो जो जोशी हत्याकांड है इन बातों को देखते हुए रियो में। बीजेपी नेताओं के सरकार गिराने के बयान पर मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी के 25 विधायक हमारे संपर्क में हैं, नतीजों के बाद जब बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी तो ये विधायक हमारे साथ आ जाएंगे। उन्होंने कहा 23 मई को एग्जिट पोल के नतीजों के उलट परिणाम आएंगे, क्योंकि अभी आचार संहिता है, इस सब चीज को चुनाव आयोग को करना चाहिए, चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक का है कि भोपाल से जो इन्होंने आखिरी दिन जिस दिन नॉमिनेशन भरा उसी दिन यहाँ पे अपना नाम लगवाया और नॉमिनेशन भरा, भोपाल की वोटर लिस्ट में इनका नाम हटना चाहिए और इनका नॉमिनेशन खारिज हो जाना चाहिए, क्योंकि ये इन्होंने पूरे देश के लोगों का अपमान किया है, देश का अपमान किया है, इसलिए सब चीज़ें देश लोग इसमें ये सब भारतीय जनता पार्टी उसके बाद ये करके जो है कहीं कहीं इनका एक फाउल प्ले है, इनके दिमाग में कुछ कुछ खुराफात चलती रहती है कहाँ से कैसे वोट बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि दिन दहाड़े बीजेपी नेता रवि त्रिपाठी के साले दीपक अग्निहोत्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। इस घटना से लोगों ने दहशत का माहौल बना हुआ है, वहीं पुलिस ने जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। छतरपुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने पहले तो युवक को घर से बाहर बुलाया, उसके बाद उस पर ताबड़तोड़ गोली चलाकर मौत के घाट उतार दिया। घटना सिविल लाइंस थाने क्षेत्र के बजरंग नगर इलाके की है। फिलहाल घटना की शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की छानबीन शुरू कर दी है। बता दें घटना की वजह रेत को लेकर पुराना विवाद बताया जा रहा है। दीपक अग्निहोत्री, पिताजी का नाम राकेश अग्निहोत्री है, ये बजरंग नगर में रहते हैं। इनको गोली मारने का सूचना मिली थी, हम अस्पताल आए हैं और जो TI साहब लोग हैं, स्टाफ है, उनको भेजा हुआ है कि सही जानकारी करके और उन लोगों पे कार्रवाई की जाए।
बीजेपी नेता रवि त्रिपाठी के साले दीपक अग्निहोत्री की मौत के बाद राजनीति गर्मा गई है। घटना के बाद जिला अस्पताल में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। इस दौरान बीजेपी महामंत्री अरविंद पटेरिया ने बताया कि तीन लोगों ने पहले बात की, फिर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों पर कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुरानी रंजिश के चलते तीन लोगों ने उसकी हत्या की है। आज दीपक अग्निहोत्री अपने घर पर था तो तीन लोग उसके घर पर आए, उससे बालू की बात की और सीधे आकर के उस पर फायर कर दिया, गोली मार दी। पुलिस जांच में जुटी है, संदिग्धों पर कार्रवाई की जा रही है। इंदौर की खजराना थाना क्षेत्र में वर्तमान पार्षद रुबीना खान और पूर्व पार्षद पति अयाज गुड्डू के बीच उपजा विवाद थाने पहुंच गया। थाने में हंगामे के बीच दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर FIR दर्ज कराई है। इंदौर के खजराना क्षेत्र में दो नेताओं के बीच विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष वर्तमान पार्षद रुबीना खान का है, वहीं दूसरा पक्ष पूर्व पार्षद पति अयाज गुड्डू का है। अयाज गुड्डू ने बताया कि हमारे घर की महिलाओं को पार्षद रुबीना खान के बेटे ने घूर घूर कर देखा तो हम उन्हें समझाने गए, जहां उनके परिवार ने हम पर हमला कर दिया। अयाज का कहना है कि वर्तमान पार्षद दादागिरी पर उतर आए हैं। वहीं दूसरी ओर वर्तमान पार्षद रुबीना खान का कहना है कि मेरे बेटे पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। अयाज गुड्डू ने हमारे घर पर आकर तोड़फोड़ की और मेरे परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी दी। आज का विवाद ये हुआ कि इन्होंने हरकत जान करके करी। मेरी बहू वो मेरे बेटा साकेत के फ्लैट पे रहते हैं, यहाँ मेरे बेटे का कोई लीजियो दीजियो नहीं, किसी से कोई विवाद नहीं है। मेरे बेटे ने मेरे घर में आके शिकायत करी कि पापा मैं खजराने में, क्योंकि कॉलोनी हम दोनों की एक है, उस पार्षद की भी और हम पूर्व पार्षद की भी एक ही कॉलोनी है, रास्ता एक है। ये उसके घर के वहाँ से आया तो मेरे बेटे ने बोला पापा दो तीन बार, ये इकबाल खान के बेटे ने, बड़े वाले ने, शाहनवाज ने, और वो जब भी बोले पापा मैं निकलता हूँ उधर से, वो मेरे साथ हरकत करता, पापा मैं आपसे बोलता नहीं हूँ डर के मारे कि आप मुझे ही मारोगे, आप मुझे ही चिल्लाओगे, तो मिला हाँ मैं तेरे को आज भी बोल रहा हूँ कि मिला बर्दाश्त कर, रमज़ान का महीना है, मत लड़ाई करना, मत करना। मेरा बेटा है ना, उसके चाचा से बोला कि पापा भी देखो, फिर मैं उसकी तरफदारी कर रहा, तो मेरा छोटा वाला भाई समझाने उसके घर गया, तो वो इतने चालाक और इतने शातिर हैं कि उन्होंने मौके का फ़ायदा उठा के पहले तो उसको घर में बिठाया। TI साहब ने CCTV कैमरे पर तस्दीक करने के लिए भी जवान पहुँचाए हैं। अगर मेरे भाई ने वहाँ पर हमला करा होगा या गाली गलौज करी होगी तो मैं गुनहगार, मेरा भाई गुनहगार है। और अगर उनने पहले तो ये करा के घर में बिठाया, सोफे पे बिठाया, अच्छे ढंग से बातचीत करी, फिर वो एकदम औरत को आगे कर देता, उनने औरत को आगे करा, उसकी घर वालों को खुदा ने एकदम विरोध करना शुरू करा, मेरा भाई वहाँ से और मेरा बेटा वहाँ से निकल के आए और वो जान करके इस तरह की हरकत करते हैं। और मैं आज यहाँ थाने पर बैठा हूँ, मेरी बहू भी बैठी, मेरी बीवी बैठी, मेरे घर की बहू हैं और मेरे घर की लेडी से बैठी हैं। आज इस पूरे परिवार की मैं रिपोर्ट लिखाऊंगा। मार डालेंगे और तुम्हारे लड़कों को, तुम हमला करने की नीयत से मेरे घर में। अरे भाई कोई बात थी, मेरे बच्चे से कोई गलती हुई थी या कुछ हुआ था तो तुम्हें मेरे से आके बोलना चाहिए कि घर में आके इस तरह से हमला करोगे। और वही मेरे छोटे छोटे से पोते खेल रहे थे, एक 1.5 साल का पोता, एक 2 साल का पोता, इन्होंने जो लात मारी वो बच्चा जरा सा हट गया, मेरा बच्चा वहीं मर जाता। अभी 2 साल का पोता है, वहीं खेल रहा था। तो ये हरकत है क्या, ये गुंडे की, इसकी अयाज गुड्डू और इसका बड़ा भाई आया था और इसके दोनों लड़के आए थे और उसके अंदर मेरे घर में अल्लाह का शुक्र है कैमरे लगाए हैं। मैं आपको कैमरा बताती हूँ, कैमरे के अंदर पूरा फुटेज आया है कि इस तरह से गालियां बक रहे हैं, किस तरह से हमला कर रहे हैं। और ये कोई बात है कि मेरी बीवी को देखा इन्होंने? अरे ये कोई बात है, घर में निकलते तो बाहर निकलते 10 लोग एक दूसरे को देखते हैं, क्या किसी को देखना चाहिए और देखना, इसके ऊपर कोई गाली होती है क्या? पार्षदों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर FIR कराने थाने तक पहुंच गए। थाने में जनप्रतिनिधियों ने जमकर हंगामा किया, पार्षद को शांत कराने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। अयाज गुड्डू ने वर्तमान पार्षद रुबीना खान के बेटे पर उनके परिवार की महिलाओं को घूर घूर कर देखने और छेड़छाड़ की धाराओं में FIR दर्ज कराई। वहीं वर्तमान पार्षद रुबीना खान ने अयाज गुड्डू द्वारा उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी देने को लेकर FIR दर्ज कराई है। हाँ, जनप्रतिनिधि हैं दोनों, एक भूतपूर्व जनप्रतिनिधि और वर्तमान में है, दोनों में आपस में विवाद हुआ बच्चों को लेकर। एक जो है बक्सान और उसका भाई जहरान और चाचा बबलू करके, ये शहनाज के घर पर गए थे, वहाँ जाके इन्होंने तोड़फोड़ की। उस पर से 452, 594 की कहानी की गई। दूसरे पक्ष ने रिपोर्ट की है कि हम बक्सान ने कि मैं अपनी पत्नी के साथ आ रहा था, जो ये चौराहे पे बुरागारी की और अश्लील इशारे किए,
उनकी तरफ से उन धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। बस्तर पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुमशुदा बच्चों को ढूंढने का अभियान चलाया और गुम हुए 30 बच्चों में से 20 नाबालिग बच्चों को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। ऐसा करके पुलिस के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई है। बस्तर से पिछले 1.5 साल में 30 बच्चे गायब हो गए थे। उनको ढूंढ के वापस लाना बड़ी चुनौती माना जा रहा था। इन गुमशुदा बच्चों को तलाशने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया और 20 बच्चों को खोज निकाला। इनमें 17 बालिकाएं तथा 3 बालक हैं। बरामद बच्चों को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के गुंटूर, उड़ीसा एवं कांकेर जिले से ढूंढ कर लाया गया है। गुमशुदा बच्चों को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल सेल बनाई थी जो इस तरह के मामलों के लिए विशेष तौर पर काम करती है। के तहत 1 जनवरी 2019 से लेकर कल आज दिनांक तक में जगदलपुर जिले में टोटल 20 बच्चों को बरामद किया गया है, दस्तयाब किया गया है, जिसमें 17 बालिकाएं हैं और 3 बालक हैं। इसमें थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत के 8 हैं, जिसमें 6 बालक हैं, 6 बालिका और 2 बालक हैं। थाना नगरनार के 4 बालिका हैं, थाना भानपुर के 4 बालिका हैं, बरपा से 2 बालिका हैं और बोधघाट से 2 बालिका हैं। सब पर धारा 303 के तहत अपराध पंजीबद्ध था। घूम गए थे बच्चे, कहीं मिस हो गए थे, जिनको विधिवत बरामद किया गया है और बरामद करने के उपरांत सभी बच्चों को CWC बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया है, काउंसलिंग कराया गया है, तत्पश्चात उनको उनके परिजनों को। गुमशुदा बच्चे पहले 1.5 साल से गायब थे। पुलिस ने इन बच्चों को बरगला कर अथवा रोजगार दिलाने का झांसा देकर गायब करने वाले के खिलाफ भी कार्यवाही की। छत्तीसगढ़ राज्य से बड़ी संख्या में बच्चे गायब हैं, जिसके लिए यह अभियान चलाया गया है। गुमशुदा बच्चों के नाबालिग होने के कारण उनके फोटो जारी नहीं किए गए हैं। इंदौर में वोट डालने के विवाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता ने एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी, जिसमें आक्रोशित सेन समाज के लोगों ने चक्का जाम कर प्रदर्शनकारी हत्यारे पर कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन के आश्वासन के बाद चक्का जाम खत्म हुआ। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टियों को जिताने के लिए काम कर रहे थे। उसी समय सांवेर थाना क्षेत्र में वोट डालने के विवाद को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता ने भाजपा कार्यकर्ता नेमीचंद को गोली मार दी, जिसे उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है, जिस बीच उसकी मौत हो गई। गुस्साए सेन समाज के लोगों ने कार्रवाई की मांग को लेकर उज्जैन रोड पर अरविंदो हॉस्पिटल के सामने चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद SDM ने सेन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कार्यवाही का भरोसा दिलाया और जाम खुलवाया। आप जो करते भिजवा दीजिए, अगर आप चाहें तो डिमांड वर्ड जो है अध्यक्ष हूँ उसका नंबर है, हम शाम तक भिजवा दें आपके पास। बाकी जब भैया क्योंकि वो तो यहाँ घायल थे, राम को सब पूछा। प्यास से भटकते हुए एक चीतल पानी की तलाश में शहर की तरफ आ गया, जहां कुत्ते चीतल के पीछे पड़ गए और चीतल कुएं में जा गिरा। बाद में वन अमले ने चीतल के शव को कुएं से बाहर निकाला। पन्ना नेशनल पार्क का एक हिस्सा छतरपुर जिले के चंद्रनगर से लगता है। पानी की प्यास से भटकता हुआ एक चीतल बस स्टैंड के पास सार्वजनिक कुएं तक आ गया, तभी चीतल के पीछे कुत्ते पड़ गए और चीतल कुएं में जा गिरा। कुएं के भीतर ही चीतल की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने वन विभाग की टीम को इस बात की जानकारी दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और चीतल के शव को कुएं से बाहर निकाला। क्या है कि ये आदमियों द्वारा बताया गया कि कुत्ते जानवर को रगड़ रहे, कुत्ते पानी पीने के लिए वहाँ राजगढ़ में आए, तो कुत्तों द्वारा वो किया गया, तो कुत्तों द्वारा रगड़ते हुए जाए यहाँ अचानक से कुआं पड़ जाने के कारण कुआं में गिर गया। पानी की व्यवस्था तो सब कुछ है, लेकिन क्या है कि जानवर क्या है कि जहाँ हरी घास वगैरह दिखाई देती है उस तरफ जाते हैं, और कुत्ते गांव वालों के कुत्ते वगैरह जी आवारा कुत्ते फिरते रहते हैं, तो वो कुत्ते क्या है कि जानवरों को उस तरफ उल्टे शहर की ओर रगड़ते हुए भी आए, और इस कारण से उसको दिखा नहीं और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की संभावित जीत को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी लड्डू बना रहे हैं। वो भी एक नहीं, कई सारे नरेंद्र मोदी लड्डू बनाने के काम को अंजाम दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर लड्डू वाले नरेंद्र मोदी का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।
एग्जिट पोल में बीजेपी को मिल रही बढ़त के बाद बीजेपी कार्यकर्ता कुछ ज्यादा ही उत्साह में हैं और उन्होंने नतीजों से पहले मिठाई बनाने के ऑर्डर कर दिए हैं। ये वीडियो इस बात का सबूत है। इस वीडियो को देखकर चौंकिएगा नहीं, मोदी की जीत के जश्न के लड्डू बना कौन रहा है? मोदी, और मोदी भी कई सारे। यही खूबी है इस वीडियो की, जिस कारण यह जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के साथ मोदी लड्डू वाला लिखा गया है। इस वीडियो को बनाने वाले को अंदाजा रहा होगा कि लड्डू के साथ जैसे ही मोदी जुड़ेगा वह हिट हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। लड्डू बनाने वाले हलवाइयों को मोदी का मुखौटा पहनाया गया और उसके बाद उसे रिकॉर्ड कर वायरल किया गया। अब 23 तक इंतजार कीजिए और कोई जीते या हारे आप लड्डू जरूर खाइए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में, कहीं जाइएगा मत। जर्जर भोपाली अब आपको सुनाएंगे भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। वो कल्याण भाई जरा टीवी से है ना, इधर आ जाओ। एग्जिट पोल बहुत देख लिया, वो तो लपक के एनडीए के पक्ष में आया हुआ बता रहा हूँ। ऐसा अभी मोदी जी तपस्या करने गए थे, उसका फल मिल गया इतनी जल्दी, और डिलीवरी बहुत जल्दी हो गई भोले बाबा के यहाँ, बता रहा हूँ। ये तो चल लिया है। और इस पे जो चंद्रबाबु नायडू हैं, वो है ना पूरे विपक्ष को ये करने में लगे हुए हैं। ये छुक छुक करके रेल बना रहे हैं, कभी राहुल से मिलते हैं, कभी उससे मिलते हैं, कभी अखिलेश से मिलते हैं। और मैं बता रहा हूँ, रेल तो बन जाएगी इनकी। इंजन तो कहाँ से लाओगे? इंजन तो लाओ भैया। हाँ, ये तो ये जो एग्जिट पोल है, इंजन दिख नहीं रहा मेरे को इसमें। हाँ, और कमलनाथ का कहना है कि मध्य प्रदेश में इनको 20 से 22 सीटें मिलने वाली हैं। इस पर कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं ठीक है मिल जाएंगी, लेकिन ये कमलनाथ भी 20-22 दिन के मुख्यमंत्री बचे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि इनकी कुछ प्लानिंग चल रही है। हाँ, और पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये कह रहे हैं कि सिद्धू है ना सीएम बनना चाहते हैं। और मैं बता रहा हूँ, सिद्धू जाने क्या क्या बनना चाहते हैं। ये कॉमेडी सर्कस से जब से निकले हैं, इनको राजनीति में कॉमेडी लग रही है, बता रही हूँ। ये राजनीति बहुत ही गंभीर चीज़ है भाई। कुछ भी स्टेटमेंट देते रहते हैं, कभी इसको देशद्रोही बोल रहे हैं, कभी उसको। इनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं, इनका ऑपरेशन वगैरह करवाओ, दिखवाओ अंदर इनके दिल में है क्या, चल क्या रहा है, बता रही हूँ। हाँ, और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक सुझाव दे रहे हैं कि चुनाव इन्हें 2-3 चरणों में होने चाहिए, ये तो अच्छी बात है। वो कह रहे हैं लेकिन फरवरी मार्च में होने चाहिए। मैं कह रहा हूँ, फरवरी मार्च में अगर होंगे तो बच्चों को जनरल प्रमोशन दे दो। बेचारे बच्चे, पढ़ाई का टाइम रहता है उस समय, पढ़ाई कब करेंगे? ये तो चल रहा है। और मैं बता रही हूँ, अभी 2-3 दिन में खबर आई है कि टेम्परेचर बढ़ने वाला है। और मैं बता रहा हूँ, 23 तारीख को तो ये ऐसा टेम्परेचर बढ़ेगा, बर्फ़ के भाव बढ़ने वाले हैं, बर्फ़ की सिल्लियाँ ले लेके बैठेंगे नेता लोग। कोई हारेगा कोई जीतेगा, ये तो चल रहा है। हाँ, और ये खबर देखो, पाकिस्तान में ये खबर देखो, पाकिस्तान में कितनी महंगाई बढ़ गई है। 400 रुपये किलो है ना वहाँ सेब मिल रहे हैं, और 360 रुपये किलो संतरे। और हमसे दुश्मनी बोल ले लो, बता रहे हूँ। प्रेम से रहो तो सब कुछ अच्छा चलेगा। गरीबी में आटा गीला हो रही है। हाँ, और ये खबर इधर पे देख लो, जापान में है ना बुजुर्गों को, है ना 75 साल के जो बुजुर्ग हैं उनको विवाहों की तरह नौकरियाँ दे रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, बताओ, उनको जीवन जीने की एक प्रेरणा दे रहे हैं। और हमारे यहाँ तो ये जैसे रिटायर हुआ आदमी, उसको ये किसी काम का नहीं समझते, बता रहे हो। ये तो चल रहा है। और ये खबर अभी अभी आई है मेरे पास, प्रज्ञा भारती मौन व्रत कर रही हैं। मुझे लगता है इन्हें बहुत देर कर दी मौन व्रत करने, पहले से शुरू हो जाती तो अच्छा रहता। ये सब झगड़े जाते हैं, लफड़े अपड़े जो शुरू हुए हैं, जो इनके स्टेटमेंट आए कंट्रोवर्शियल, वो नहीं होते। मौन व्रत तो बड़ी अच्छी चीज़ है, और मुझे लगता है मैंने भी है ना बहुत बक लिया, मैं भी जा रहा हूँ मौन व्रत करने। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।